हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन रोस्ट, जिसके लिए मैंने 2 दर्जन चिकन लेग्स लिए हैं, जिनको मैंने इस तरीके से कट लगा लिया तमाम लेग्स को। और एक बाउल में मैंने पानी लिया है, जिसमें मैंने 1 चम्मच भर के मस्टर्ड पाउडर का और 2 चम्मच लहसुन पाउडर डाले हैं और 2 चम्मच मैंने विनीगर डाला है, और उसको हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ये तमाम जो लेग्स हैं, ये हम इसमें डिप कर देंगे पानी में। मस्टर्ड पाउडर और लहसुन पाउडर के पानी में लेग्स को हमने इसलिए जो है डिप कर रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर है। और इसको हम डिप करके इस पानी में 2 से 3 घंटे के लिए, या चाहे तो आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। और अब हमने इसको इसमें डिप कर दिया और अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसका जो पेस्ट बनाएंगे, जिसमें हमने इसको डिप करना है, उसमें हम दो चम्मच सोया सॉस, 1 टेबल स्पून भर के चिली सॉस, 1 टेबल स्पून मैंने था रेड चिली पाउडर, 1 टेस्ट के लिए ब्लैक पेपर, काली मिर्च, लहसुन पाउडर, इसमें अदरक पाउडर नहीं चाहिए। ये हम लेमन जूस के डालेंगे इसमें 1 चम्मच, मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये 1/2 टेबल स्पून हम इसमें पेपरिका पाउडर डाल रहे हैं, और इसमें अब जाएगा 1/2 कप मिल्क, जो कि चिकन को बहुत ज्यादा जूसी कर देगा। टीस्पून इसमें हम कचरी पाउडर डालेंगे, और ये थोड़ा सा जाएगा इसमें गरम मसाला।
अभी हम इसमें सारी नट्स डाल के इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करके 3-4 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। हम इसको 3-4 घंटे के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसकी कोटिंग बनाएंगे तो क्रैक ये मैरिनेट हो गई है 2-3 घंटे तक और अब हम इसकी कोटिंग बनाएंगे। ये हमने मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ये हमने उसके बीच में क्रिस्पी फ्राई डाला और साथ लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया और उसको मिक्स कर लिया। अब हम इसको लेग्स को इसमें डालेंगे मैदे में। और इसकी हम कोटिंग करेंगे अच्छे तरीके से। अब हम इसको पानी में डिप करके और इधर हम इसको स्टेन होने के लिए रख देंगे। इसी तरीके से हम इसका दूसरा करेंगे, अच्छे तरीके से इसको हम मैदे में कोट करके पानी में डिप करेंगे और इसको हम ड्रेन होने के लिए रख देंगे। इसी तरीके से हम बाकी तमाम लेग्स को कोट करके हम निकाल लेंगे। अब हम इसको एक दफा दोबारा कोट करेंगे अच्छे तरीके से और इसको दबाना है ताकि इसके फ्रम्स बने। ये हमारे चिकन रोस्ट तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप भी ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।